आज मैं आपको जैन मोमोस बनाना सिखा रही हूँ। इसलिए चाहिए हमको कोरिएंडर, ग्रीन चिली, कैप्सिकम, कैबेज, कैप्सिकम, ऑरेगानो हर्ब्स, चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और डो बनाने के लिए मैदा, सॉल्ट और ऑयल और थोड़ा सा वाटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में इसके लिए हमें पहले ये डालना होगा। एक बाउल में डालेंगे हम कैप्सिकम, कोरिएंडर, देन ग्रीन चिली, देन ऑरेगानो हर्ब्स, देन चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, सॉल्ट। इन सबको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और एक क्लॉथ में हम ट्रांसफर कर देंगे। इससे दबाकर इसका पूरा एक्स्ट्रा वाटर निकाल दें। देखिए इस तरह से ये हमारी स्टफिंग है। वाटर डालकर इसका आटा गूंथ लेंगे। देखिए दो ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा नरम भी नहीं और ज़्यादा कड़क भी नहीं। आटे की छोटी छोटी लोइयां बना के मैदे की छोटी छोटी लोइयां बेलेंगे। देखिए इस तरह हम छोटी सी पतली सी लोइयां बना के बेल देंगे। हमने मैदे की लोइयां बेल के तैयार कर ली है। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। मोमोज बनाने के लिए रोटी बेलने के बाद हम आधा चम्मच स्टफिंग डालेंगे। चारों तरफ वाटर लगा के इसे पैक कर देंगे। देखिए हमारे सामने सारे मोमोज स्टफ हो गए हैं। अब हम इसे स्ट्रीम करेंगे। स्ट्रीम होने के लिए हम इडली पॉट में भी कर सकते हैं, कढ़ाई में भी कर सकते हैं या फिर स्ट्रीमर में भी कर सकते हैं, पर मैं कढ़ाई में कर रही हूँ। कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल के छन्नी में थोड़ा ऑयल लगा कर इसे रख दो। अब इसे 15 मिनट तक ढक के स्ट्रीम होने देंगे। मोमोज कितने यम्मी बने, आप भी इसे ट्राई कीजिए, खिलाइए और खाइए। पूछिए अपना सब स्टाइल। आपकी सब स्टाइल।